सुप्रीम कोर्ट जजों के विवाद में नया मोड़ आया। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, इसे सुलझाने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसके पहले कल खुद वेणुगोपाल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा था कि विवाद खत्म हो चुका है। कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई केसों की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया था, लेकिन किसी भी पीठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जजों का नाम नहीं है। तो अब वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है कि इस मामले को सुलझाने में 2 से 3 दिन लग सकता है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अब अपना बयान बदला है के वेणुगोपाल ने, क्या कहा है उन्होंने और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, दरअसल कल जब चीफ जस्टिस ने एक नए संविधान पीठ का गठन किया तो उस संविधान पीठ में ये जो 4 सीनियर जज हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें से किसी का भी नाम नहीं है। और अगर आपको याद होगा तो 4 जजों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप था वो यही था कि उन्हें महत्वपूर्ण मामले में शामिल नहीं किया जाता है या दूसरे जजों को जो जूनियर हैं उनसे उनको जोड़ रखा जाता है। और इस बात की पुष्टि जैसे ही हुई तो के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है, जो पिछले 2-3 दिन से कह रहे थे कि मामला सुलझ गया, दरअसल उसके पीछे उनकी नीयत ये थी ये बताने की कि जुडिशियरी में जो कुछ हो गया था वो उसी दिन हुआ, उसके बाद से आपस में जो बातचीत हो रही है तो मामला को सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब उनको भी मानना पड़ा कि वो जितना सोच रहे थे कि जितना छोटा विवाद है ये विवाद उतना छोटा नहीं है। चीफ जस्टिस अपनी बात पर हैं, 4 जजेज अपनी बात पर हैं, बिल्कुल उनके बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप है कि अब नए संविधान पीठ में उन्हें शामिल नहीं किया गया। और इसीलिए के वेणुगोपाल ने बयान दिया है कि अभी इस मामले को सुलझने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।